स्टेबल कार है, हाईवेज के लिए अच्छी कार है, कंफर्ट अच्छा है कार में, आप कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करो आपको वो थकान फील नहीं होगी इसमें। और जिस तरह से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपकी रनिंग हाईवेज पे ज़्यादा है तो ये आपको हाईवेज पे अच्छा माइलेज भी निकाल के देगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आप सोच रहे हो यार ये इतना सुबह सुबह कहाँ निकल गया है, इतना अंधेरे में कहाँ जा रहा है। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और एक छोटा सा ट्रिप है, और इस छोटे से ट्रिप में आज हम कवर करने वाले हैं पंच का हाईवे परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ इस ट्रिप में हम कवर करेंगे पंच हिल्स में कैसा परफॉर्म करती है, क्या माइलेज देती है, और कितनी कैपेबल है ये कार हिल्स में और हाईवेज में। सो सब कुछ इस ट्रिप में कवर करेंगे गाइस हम, और बने रहो हमारे साथ वीडियो में एंड इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहो, हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे। जाते हैं जल्दी से पेट्रोल पंप और अपना टैंक रिफिल कराते हैं एंड देखते हैं कि टैंक टू टैंक माइलेज पंच में क्या निकल के आ रही है। बिकॉज MID वाली माइलेज तो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, कई लोगों का क्वेश्चन था कि इसकी टैंक टू टैंक माइलेज भी निकालें, तो आज हम इसकी टैंक टू टैंक माइलेज चेक करेंगे हाईवेज में क्या परफॉर्म कर रही है। तो बने रहो वीडियो में एंड चलते हैं सीधे पेट्रोल पंप और करवाते हैं इसको रिफिल। नॉर्मल ऊपर तक फिल कर देना पूरा ऑटो कट में, ऊपर तक कितना आ गया। तो गाइस पेट्रोल हमने रिफिल करा लिया, अब हम एक बार इसका मीटर रिसेट कर लेते हैं MID। तो MID भी हमने रीसेट कर लिया है, अब देखते हैं फाइनली क्या एवरेज निकलती है इस कार से। तो चलते हैं एंड देन फिर बताता हूँ मैं आपको क्या एवरेज निकल रही है हाईवे पे इस कार। तो गाइस अभी हम चला चुके हैं इसको अराउंड 51 किलोमीटर, आप देख रहे हो MID में मेरे जो माइलेज शो कर रही है 23.1 की। हाईवे खाली मिल रहा, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं हाईवे पे, तो अभी तक तो मुझे ये माइलेज शो कर रहा है, और देखते हैं आगे चल के क्या माइलेज एक्चुअल में हमें निकलती है टैंक टू टैंक। पूरा रन करेंगे अराउंड 200 किलोमीटर्स एंड उसके बाद चेक करेंगे कि फाइनल टैंक टू टैंक माइलेज क्या आ रही है इस कार की। मैंने वैसे इसको पहले टेस्ट किया हुआ है, मुझे ज़्यादा डिफरेंस मिला नहीं था MID और इसमें, तो अभी हम फाइनली चल के देखते हैं कि क्या माइलेज आ रही है इस कार में और कैसा आउटपुट आता है इस कार का, क्या माइलेज निकाल के देती है हमारे को ये कार। बात करूँ हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस की, तो जैसे मैं कई पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, हाईवे के लिए कार मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बिकॉज जो स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करती है मुझे हाईवे पे वो काफ़ी बेटर है कंपेयर टू अदर कार्स से। तो उसके मुकाबले में स्टेबल कार है, हाईवेज के लिए अच्छी कार है, कम्फर्ट अच्छा है कार में, आप कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करो आपको वो थकान फील नहीं होगी इसमें। और हाईवे के लिए मैं मानता हूँ काफ़ी बढ़िया कार है। अब इसका स्टीयरिंग रिस्पांस भी अगर आप देखोगे हाईवे के लिए तो काफ़ी अच्छा है, जितना सिटी में आपको ये लाइट फील होता है इसका स्टीयरिंग, उतना ही हाईवे पे इसमें एक थोड़ा सा हार्डनेस आ जाती है, और जो आपको काफ़ी हेल्प करता है कार को कंट्रोल करने पे के लिए हाई स्पीड में। बात करूँ यार गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस तो ज़्यादा है, बट उसके कंपेयर में जो बॉडी रोल है वो ना के बराबर है, ज़्यादा आपको बॉडी रोल इस कार में नहीं दिखेगा। तो उस सब को अगर आप देखोगे, वो सब कंपेयर करोगे, तो हाईवे के लिए मैं बोलूँगा ये कार काफ़ी बेटर है। और जिस तरह से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपकी रनिंग हाईवेज पे ज़्यादा है तो ये आपको हाईवेज पे अच्छा माइलेज भी निकाल के देगी। तो ऐसा नहीं है, जो इशू हमें सिटी में आता है इसके साथ माइलेज के लिए, वो आपको इशू हाईवे पे फेस नहीं होगा। अगर हाईवे पे आप एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करके चलते हो और ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करते हो, तो एक आपको अच्छा एवरेज भी देगी, प्लस जो आपको एक हाईवे में जो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हमें हम सबको चाहिए कि एक सेफ्टी होनी चाहिए, तो वो सेफ्टी भी आपको इस कार में मिलती है। तो गाइस हाईवे में तो मैं कहूँगा मेरे को इस कार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है,
हाईवे में ये कार काफी अच्छा परफॉर्म करती है, और अगर आपकी रनिंग भी है और आपको ऐसी कार देख रहे हो और आपका हाईवे पे ज्यादा ट्रेवल है, तो मैं कहूँगा आप इस कार को आराम से ऑप्ट करो यार, बढ़िया कार है ये। एंड अभी तो देखते हैं हम जितना कवर करके देखते हैं कि फाइनल टैंक टू टैंक माइलेज क्या आ रही है, धीरे धीरे जैसे होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि कैसी कैसी माइलेज आ रही है। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या माइलेज निकालते हैं इस कार से। सो गाइज अभी हमने कवर कर लिया है 142 किलोमीटर, और अभी जो MID में माइलेज शो कर रहा है वो मुझे कर रहा है 22.4 की। सो अभी भी मैं 22.4 की अभी मैंने माइलेज मेंटेन करके रखी हुई है इसमें। तो जैसे आप देखो यार, अगर मैं ऑन एवरेज अगर हम इसमें 90 की स्पीड मेंटेन करते हैं तो जो हमारा RPM जाता है गाड़ी में वो 2200 से 2300 के बीच में जाता है, और जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते रहोगे आपका RPM बढ़ता रहेगा इस कार में, और वैसे वैसे आपकी माइलेज भी ड्रॉप होती रहेगी। सो अगर आप एक कंसिस्टेंट स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको एक अच्छी माइलेज आप इसमें निकाल पाओगे। तो अभी चलते हैं देखते हैं आगे जाके कि फाइनल माइलेज हम इससे क्या निकाल रहे हैं। तो बने रहो वीडियो में गाइस, मिलता हूँ आपसे लास्ट में और दिखाता हूँ आपको क्या माइलेज हमने इससे निकाली है। वैसे आपको क्या लग रहा है कि क्या माइलेज ये कार निकाल के देगी हमें हाईवे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और देखते हैं कि आपका जवाब सही आता है या नहीं। सो फाइनली गाइस, ये ट्रिप हाईवे ट्रिप हमारी एंड होती है, और अभी जो हमने रन कर लिया है हमने 243 किलोमीटर रन कर लिया है, और MID में अभी माइलेज मुझे शो कर रहा है 21.1 की। अब फटाफट जाते हैं कार को टैंक को दोबारा रिफिल कराते हैं एंड देखते हैं कि फाइनल टैंक टू टैंक माइलेज क्या निकल रही है इस कार से। ऊपर तक कर देना अभी पूरा फुल, ठीक है जीरो, ठीक है फाइन करो। बस इतना ही कर दो, सो गाइस पेट्रोल हमने रिफिल करा लिया है, एंड जो टोटल अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या माइलेज निकाला है इसने, एंड जो हमने टोटल रन किया है वो किया है 243.2, और जो पेट्रोल मैंने रिफिल कराया है इसमें वो कराया है 11.56। तो जो मुझे एवरेज आ रही है निकल के वो आ रही है गाइस 21.0। सो जैसा आप देख रहे हो MID की माइलेज आ रही है 21.1, और जो टैंक टू टैंक हमने टेस्ट किया उसकी माइलेज आ रही है 21। सो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है MID से, एंड जैसे मैंने पहले भी बोला था यार कि ज़्यादा MID और टैंक टू टैंक में डिफरेंस नहीं है इस कार में, इसका MID काफ़ी एक्यूरेट दिखाता है जो भी माइलेज आ रही है। एंड जैसे आप देख सकते हो यार हाईवे में 21 की माइलेज मिलना आई डोंट थिंक सो किसी भी एंगल से ख़राब है, काफ़ी अच्छी माइलेज निकालती है ये अगर आप हाईवेज में इसकी बात करें तो। और ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, और आज हमने देख भी लिया कि टैंक टू टैंक टेस्ट करके, और जिन लोगों की क्वेरीज थी कि यार टैंक टू टैंक टेस्ट करो तो टैंक टू टैंक माइलेज भी आप देख चुके हो, एग्जैक्ट माइलेज आ रही है जो MID में मुझे शो कर रही है। लास्ट जो हमने ब्रेजा का किया था उसमें हमें काफ़ी वेरियंस देखने को मिला था MID और एक्चुअल माइलेज में, बट टाटा पंच के केस में हमारे को एग्जैक्ट सेम माइलेज देखने को मिल रही है, जो कि मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत डिफरेंस फिर भी यार एक्सेप्टेबल होता है, बट ज़्यादा डिफरेंस उसमें मैं पहले ही मेरे को समझ नहीं आया उतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आया था उस समय। बट अभी यार आप जैसे माइलेज देख ही चुके हो इस कार की, तो जिन लोगों को भी क्वेरीज थी कि यार ये कार की माइलेज क्या है और अगर हाईवेज में कैसे परफॉर्म करती है, आई होप ये इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं इस पंच के रिगार्डिंग तो आप मुझसे क्वेरी सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।